अगली खबर आ रही है अयोध्या से, जहां राम पथ रोड चौड़ीकरण को लेकर अयोध्या राम पथ जनपदवासी व्यापारी आम जनमानस राम जानकी मंदिर साहबगंज पर अपनी मांगों उनकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आ रहा है। व्यापारियों की मांग है कि सरकार जो भी जमीन अधिग्रहण कर रही है उसके एवज में मुआवजा अच्छा दे, जिससे संबंधित व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जमीन अधिग्रहण के बाद बची हुई जमीन को उस जमीन पर रहने वाले व्यक्ति को उसका उत्तराधिकारी व मालिक घोषित करे। अभी तक लोग जिस जमीन पर रह रहे थे उस जमीन का मालिक अपने आप को मानते थे, जिसका पर्चा सुधा जमीन का बैनामा कराएं, दाखिल खारिज कराएं, अयोध्या विकास प्राधिकरण व नगर पालिका से मानचित्र पास कराएं। व्यापारी भी जलकर बराबर देते आ रहे हैं, अभी तक किसी से नहीं बताया आप इस जमीन के मालिक नहीं, जब तक फ्री होल्ड नहीं करा लें। आज जब सरकार को जमीन की जरूरत पड़ी, सरकार हमारी भूमि को अधिग्रहण कर रही है। इसी संदर्भ को लेकर यह मौन प्रदर्शन 3 घंटे का किया जा रहा है। सरकार का प्रशासन का विरोध किसी तरीके से नहीं है। मौन अनशन पर बेनीगंज से लेके खवासपुरा तक के सारे लोग, जो व्यापारी हैं, जिनके मकान हैं, जो रह रहे हैं, वो सारे लोग आज इस मौन अनशन पे बैठे हुए हैं राम जानकी मंदिर के प्रांगण में। ये राम पथ शहादतगंज से लेके नया घाट तक 13 किलोमीटर का बनाया जा रहा है। जिस तरीके से इसकी DPR बनी है 13 किलोमीटर की, कि कहाँ पे कौन सी चौड़ाई लेंगे, इसी पे इलेक्ट्रिक बस चलाएंगे वो, कहाँ पे वो बस अड्डा बनाएंगे, कहाँ पे यात्रियों को उतरने के लिए बनाएंगे, इन सारी चीज़ों को इनको जिला प्रशासन को सार्वजनिक करना चाहिए कि 13 किलोमीटर पे हम क्या क्या बना रहे हैं। एक तो हम लोगों को अभी तक ये नहीं दिखा है कि हम 13 किलोमीटर पे क्या क्या बनाएंगे। यहाँ पे सारे लोग बताया गया कि 10 मीटर उधर 10 मीटर इधर देंगे। ये सारे लोग विकास में कोई बाधक नहीं है, सारे लोग चाहते हैं कि राम पथ का विकास हो, अयोध्या का विकास हो, विकास में सारे लोग चाहते हैं, विकास की मंशा सारे लोगों की है। लेकिन 10 मीटर हमारा ले रहे हैं, और हम लोगों को ये मालूम था कि ये पर्चाशुदा ज़मीन हमारी है। इस पर्चाशुदा ज़मीन पे हमने बैंक से लोन लिया। इसी पर्चाशुदा ज़मीन पे जब नगर पालिका नक्शा पास करती थी, तो हमारे बाप दादा परदादा 100 साल 150 साल 200 साल से नक्शा पास कराकर नगर पालिका से रह रहे हैं। विकास प्राधिकरण बना तो जो लोग फिर से बैनामा लिए वो फिर से नक्शा पास कराए, और नक्शा विकास प्राधिकरण ने डेवलपमेंट चार्ज भी लिया, जितना हमने नक्शा बनवाया उसका डेवलपमेंट चार्ज भी जमा कराया हमसे। तो जब हम ज़मीन के मालिक नहीं थे तो किस आधार पे हमसे ज़मीन का नक्शा का पैसा जमा कराया, और किस ज़मीन किस आधार पे हमको नक्शा पास किया? अगर हम इस ज़मीन के मालिक हम इस पर रह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जिस ज़मीन पर किसी का 30 वर्ष तक लगातार कब्जा रहता है वो उस ज़मीन का मालिक माना जाता है। तो ये तो सारे लोग 100 साल 150 साल 200 साल से इसी ज़मीन पर रह रहे हैं, इसी आधार पर इस ज़मीन के मालिक हैं। इन सारे लोगों की मांग है कि अगर हमारा 10 मीटर ले रहे हैं तो हमारा पीछे पीछे एक मिनट 10 मीटर 15 मीटर 5 मीटर अगर हमारा मकान बच रहा है, जिसमें हमारे परिवार के बच्चे रहेंगे, महिलाएं रहेंगी, सारे लोग रहेंगे, उस जो बची हुई हमारी ज़मीन है उस ज़मीन के हमको मालिक कैसे घोषित किया जाए, इस पर भी जिला प्रशासन को हम लोगों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए कि जो ज़मीन आपकी बच रही, जो मकान आपका बच रहा है, उस ज़मीन के आप मालिक रहेंगे। ये तो मुजबानी बताया जा रहा है, लेकिन कोई चीज़ लिखा पढ़ी में हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है कि उस ज़मीन जो हमारी बची ज़मीन है अब हम इस ज़मीन के मालिक हैं, ये कैसे हम सारे लोग इंश्योर हों, क्योंकि बहुत लोगों के मकान पुराने हैं, रिमॉडलिंग करानी है, फिर से पैसा उसमें लगाना है। तो आदमी तो अभी तक ये सोच के लगा रहा था कि इस ज़मीन के मालिक हैं, आज हमको बताया जा रहा है कि आप इस ज़मीन के मालिक ही नहीं, इस ज़मीन के मालिक सरकार है, आपको एको पैसा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। दूसरी चीज़, 6 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। सर्किल रेट बढ़ाया जाता तो ज़मीन का दाम भी बढ़ता, मकानों का दाम भी बढ़ता। और अयोध्या में आज से 20 से 25 साल पहले जो जन्मभूमि के लिए 56 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई थी, उस जगह भी ज़मीनें ली गई थी, मकान लिए गए थे, मंदिर लिए गए थे। उस समय ज़मीनों का मुआवजा दिया गया था, मकानों का मुआवजा, मंदिर का मुआवजा दिया गया था। जो आधार वहाँ पे अयोध्या में लिया गया था ज़मीन और मकान के मुआवजे का, वही आधार यहाँ पर भी इनको राम पथ पर भी लागू करना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं कर देंगे तो किसी को तकलीफ़ नहीं होगी, ना इनको 10 मीटर देने में तकलीफ़ होगी, इनको उचित मुआवजा ज़मीन का मिल जाएगा, और जो हमारी बची ज़मीन है उस ज़मीन के इनको मालिक घोषित करने का भी काम जिला प्रशासन करना चाहिए।